वेरी वेरी हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी आज के सेशन में हम दो बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को आपस में कंपेयर करने वाले हैं UPSC Civil Services exam और GE, जिसको आजकल जेई एडवांस भी आप बोल सकते हो जब मैंने एग्जाम दिया था उस टाइम पे इसको आई आई टी जेई एग्जाम बोलते होते थे आई एम स्पेसिफिकली कंपेयरिंग दीज टू एग्जाम्स बिकॉज आई है इन डेप्थ समझता हूँ हमारे सेशन का एम ये नहीं है कि हम ये बोलें कि इन दोनों में से ये एग्जाम बेटर एग्जाम है कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता दुनिया में जिसको हम ये बोल दें कि हाँ ये सबसे टफेस्ट एग्जाम है या ये सबसे अच्छा एग्जाम है इसकी जो प्रेपरेशन करेगा वो एक इलीट क्लास होगा हर एग्जाम की अपनी एक ब्यूटी होती है हर एग्जाम आपकी एक अलग टाइप की स्ट्रेंथ चेक करता है डिपेंडिंग अपॉन उस एग्जाम से आपको किस चीज के लिए सिलेक्ट किया जा रहा है अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो आई एंजॉयड दी प्रेपरेशन फेज ऑफ बोथ दाम इक्वली दोनों एग्जाम्स की अपनी ब्यूटी है और आज तक मैं प्रिपरेशन फेज को मिस करता हूं दोनों एग्जाम्स के सो so, आज के सेशन में मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि कुछ पैरामीटर्स पे ये दोनों एग्जाम कहां स्टैंड करते हैं किसी पैरामीटर पे आपको लगेगा एक एग्जाम एक बेटर है दूसरे पैरामीटर पे आपको लगेगा कि दूसरा एग्जाम बेटर है सो लेटर स्टार्ट विद दिस सेशन सबसे पहला पैरामीटर देखते हैं क्या कोचिंग जरूरी है दोनों एग्जाम्स के लिए या नहीं मेरे हिसाब से दोनों के दोनों एग्जाम सेल्फ स्टडी से क्रैक किए जा सकते हैं अगर आप क्वालिटी रिसोर्सेज पकड़ो और एक सही स्ट्रेटेजी करो और नियरली रोज आठ घंटे के अराउंड एवरेज स्टडी करो तो आप इजीली दोनों के दोनों एग्जाम्स क्रैक कर सकते हो सेल्फ स्टडी के साथ और एक अच्छे रैंक के साथ पर्सनली मैंने आई के लिए कोचिंग ली थी सिविल सर्विसेज के लिए कोचिंग नहीं ली थी बट आई फील की दोनों के दोनों एग्जाम सेल्फ स्टडी से क्रैक किए जा सकते हैं दूसरा पैरामीटर है प्रेपरेशन ड्यूरेशन कितना टाइम लगता है दोनों एग्जाम्स को क्रैक करने में ओवरऑल देखोगे तो आप कह सकते हो कि दो साल लगते हैं लाइक like, जेई की बात करें तो आपको प्लस वन और प्लस टू में दोनों में ही आपको प्रेपरेशन साथ साथ रखनी पड़ती है इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम की सो so, आप कह सकते हो कि लगभग दो साल लगते हैं सिविल सर्विसेज की बात करें तो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करते हो तो जिस साल आप एग्जाम में अपियर हो रहे हो उससे एटलीस्ट एक साल पहले तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे और एक साल का लगभग पूरा प्रोसेस होता है तो आप कह सकते हो कि अगर आप एक गो में भी इस एग्जाम को क्रैक करोगे तो आपको दो साल लगेंगे ही लगेंगे थर्ड पैरामीटर इज स्पेशलाइजेशन इन सब्जेक्ट्स जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए उसमें किस लेवल की स्पेशलाइजेशन या इन डेप्थ नॉलेज चाहिए जब आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें डेफिनेटली आपको मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में स्पेशलाइजेशन चाहिए इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तभी आप इसमें अच्छा रैंक हासिल कर पाओगे सिविल सर्विसेज के लिए जब आप जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो वराइटी पढ़ रहे हो बट सबको बेसिक लेवल पे पढ़ोगे ये नहीं है कि आपको कोई बहुत इन डेप्थ नॉलेज या बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन चाहिए बट येस yes, जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके लिए आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए सो so, इस पैरामीटर में जेई कहीं ना कहीं एक एज लेता है सिविल सर्विसेज एग्जाम से फोर्थ पैरामीटर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एनालिटिक एबिलिटी ड्यूरिंग प्रिपरेशन जब आप जेई की प्रेपरेशन करते हो तो उस टाइम आपको एनालिटिक एबिलिटी बहुत अच्छे लेवल की चाहिए डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की और उसके बाद उस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन आप कर सको सॉल्व कर सको अप्लाई कर सको सो आपकी एनालिटिक एबिलिटी बहुत अच्छे लेवल की होनी चाहिए जब आप सिविल सर्विसेज एग्जाम की बात करते हो तो सी सेट का जो एग्जाम है उसमें आपके एक बेसिक लेवल की एनालिटिक एबिलिटी चेक की जाती है और उसके मार्क्स भी ऐड नहीं नहीं होते हैं सो so आप ये नहीं बोल सकते हो कि बहुत हाई लेवल की आपको एनालिटिक एबिलिटी इस एग्जाम के लिए चाहिए लॉजिकल थिंकिंग डेफिनेटली चाहिए बहुत हाई लेवल की एनालिटिक एबिलिटी नहीं चाहिए मुझे पर्सनली हमेशा यह रहता है कि डे बाई डे मेरी एनालिटिक एबिलिटी इंप्रूव हो सो सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन में भी इस चीज को एनहांस करने के लिए मैंने मैथ्स और फिजिक्स ऑप्शनल लिए उस टाइम पर दो ऑप्शनल लेने होते थे तो मैंने मैथ्स और फिजिक्स लिए बिकॉज आई यूज टू इंजॉय दीज टू सब्जेक्ट्स सो सिविल सर्विस एग्जाम प्रिपरेशन करते हुए भी मुझे कहीं ना कहीं ये फील हुआ कि एनालिटिक एबिलिटी मेरी एनहांस हुई है फिफ्थ पैरामीटर इज मेच्योरिटी इन थॉट प्रोसेस जब आप सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आपको डे बाय डे अंदर से फीलिंग आती है कि आपका थॉट प्रोसेस मेच्योर हो रहा है आपका एक थॉट प्रोसेस होलिस्टिक होता जाता है डे बाय डे और ये चीज जरूरी भी है और रिफ्लेक्ट भी होनी चाहिए आपके मेंस के एग्जाम में और इंटरव्यू में भी जयी प्रिपरेशन में आपकी एनालिटिक एबिलिटी तो मेच्योर होती है बट आप ये नहीं बोल सकते हो कि ओवरऑल आपका होलिस्टिक वे से थॉट प्रोसेस मेच्योर हो रहा है सिक्स पैरामीटर इज प्रेजेंटेशन स्किल्स ये चीज बहुत जरूरी है सिविल सर्विसेज एग्जाम में जब आप अपना मेन्स का एग्जाम देते हो वो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है सो उसके अंदर ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप अपने थॉट्स को अपने आंसर को कितने अच्छे से प्रेजेंट करते हो जितने अच्छे से प्रेजेंट करोगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं इसके अलावा पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू में भी आपको खुद को अच्छे से प्रेजेंट करना है जितने अच्छे से एफिशेंटली आप अपने थाट्स को वहां पे एक्सप्रेस करोगे उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं सो so, ये चीज़ आपकी काफ़ी हद तक इस एग्जाम में चेक की जाती है जेई में आज की डेट में क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो प्रेजेंटेशन स्किल्स पे इतना फोकस नहीं किया जाता है ईयर में जब मैंने IIT का एग्जाम दिया था तो उस टाइम पर सब्जेक्टिव एग्जाम होता था तो उस टाइम राइटिंग में कहीं ना कहीं ये चीज चेक की जाती थी बट यहां हमें एक चीज का ध्यान ये भी रखना है जेई एग्जाम बिकॉज ऑब्जेक्टिव एग्जाम है सो वहां पे आपको डायरेक्टली अपना एक फाइनल आंसर मार्क करना होता है वो आपका एक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है सो जेई एग्जाम में एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है वहां आपको स्टेप मार्क

जेई के अंदर कंपैरेटिवली कम पेशेंट्स टेस्ट की जाती है इन कंपैरिजन टू सिविल सर्विसेज एग्जाम बिकॉज सिविल सर्विसेज एग्जाम स्टेजेस का एग्जाम है किसी भी एक स्टेज पे अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए तो अगेन आपको फर्स्ट फेज से दोबारा उस एग्जाम में अपियर होना पड़ेगा आज की डेट में आप जेई को टू स्टेज एग्जाम भी बोल सकते हो बिकॉज पहले आप जेई मेंस का एग्जाम देते हो उसमें अगर आप एक सिलेक्टेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में आते हो तो ही आप जेई एडवांस का एग्जाम दे सकते हो बट इन एनी केस अगर आप जेई एडवांस का एग्जाम देने के लिए सिलेक्ट नहीं भी होते हो तो भी आप जेई मेन्स के बेसिस पे कहीं ना कहीं सीट सिक्योर कर सकते हो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में बट सिविल सर्विसेज के अंदर अगर आप किसी भी स्टेज पे सक्सेसफुल नहीं हुए तो आप फाइनली जीरो पे आ जाते हो तो लेवल ऑफ पेशेंस कंपैरेटिवली ज्यादा चेक किया जाता है इन सिविल सर्विसेज एग्जाम एंड द लास्ट पैरामीटर इज द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस दैट यू गेन आफ्टर क्रैकिंग द एग्जाम इस पैरामीटर पे आप दोनों एग्जाम्स को एट पार रखोगे इन आप किसी भी एग्जाम के साथ कंपेयर करोगे तो उस एग्जाम को भी एट पार रखोगे बिकॉज जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस टाइम आप अपना पूरा का पूरा का उस चीज के लिए डेडिकेट कर देते हो हर चीज अपनी उस चीज के लिए डेडिकेट कर देते हो और वो ही आपके लिए सबसे बड़ा एक एम और टारगेट होता है तो आप उस टाइम पे ये नहीं बोल सकते हो कि अगर मैं ये एग्जाम क्रैक करूंगा तो इसमें मुझे ज्यादा खुशी होगी और जब उसको क्रैक करूंगा तो उसमें मुझे कम खुशी होगी किसी भी एग्जाम के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हो और उसको जब फाइनली आप सक्सेसफुली क्रैक कर लेते हो तो आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस आप वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते तो so फ्रेंड्स ये कुछ पैरामीटर्स थे जिनके बेसिस पे हमने दोनों एग्जाम्स को कंपेयर किया हम कभी भी नहीं बोल सकते हैं कि कोई एग्जाम किसी से ऊपर है या नीचे है हर एग्जाम की अपनी ब्यूटी है हर एग्जाम आपकी अपनी स्ट्रेंथ चेक करता है मैं जस्ट यही विश करता हूँ आप जिस भी एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो दिल से उसकी प्रेपरेशन करो बिल्कुल फोकस के साथ डेडिकेशन के साथ प्रेपरेशन करो अपनी सेहत का भी साथ में ख्याल रखो और जल्द से जल्द अपना एग्जाम क्लियर करके अपने सपनों को पूरा करो जय हिंद